नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको पूनम्स किचन में। आज हम बनाएंगे पप्पा के लिए भोग, पारंपरिक तरीके से मोदक, जो कि अभी इस समय महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी बहुत धूमधाम से लोग मनाते हैं और ये 10-11 दिन का प्रोग्राम होता है, तो इसमें लोग मोदक बनाते हैं। तो मोदक कई तरीके से बनाते हैं, तो आज हम बनाएंगे चावल के आटे से मोदक। जिसके लिए भरावन के लिए मैंने ये गुड़ ले लिया है, 200 ग्राम के करीब गुड़ है। ये थोड़ा सा नारियल है, इस तरीके से मैंने इसे ग्रेट कर लिया है और 8-10 पीस इसमें हमने किशमिश डाल लिया है और 8-10 पीस ही हमने इसमें चिरौंजी ऐड कर लिया है। ये 10 से 15 पीस बादाम के हैं, इसको हम कूट के छोटे छोटे पीस में कर लेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं गणेश चतुर्थी। तो ये देख सकते हैं मैंने गैस ऑन करके उस पर एक पैन रख दिया है और उस पर मैंने 1 कप पानी डाल दिया है। इस कप से मैंने 1 कप पानी लिया है। पानी में हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, ये देख सकते हैं 1/2 छोटी चम्मच नमक है। पानी गर्म हो गया है, हमें बहुत ज़्यादा पानी गर्म नहीं चाहिए। अभी गैस फ्लेम को मैं लो कर दूंगी और इसमें ये चावल का आटा, मैंने 1 कप चावल का आटा लिया है, 250 ग्राम के करीब आटा है। इसको इसमें डाल के हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरीके से। ये देख सकते हैं इस तरीके से इसे मिक्स करना है गुनगुने पानी में, और इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। जैसा कि आप इस बैटर को देख सकते हैं, हमको ये इसी तरीके से सूखा सूखा रखना है और इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे ये आटा अच्छे से फूल जाए। फिर इसे हम अच्छे से गूंथ के एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो ये देख सकते हैं आटा पूरा गीला नहीं है, डूबा नहीं है, एकदम खुला खुला सा आटा है, खिला खिला सा। इसे हम बाद में मैश करके इकट्ठा करेंगे, तो बहुत ज़्यादा इसके लिए पानी नहीं चाहिए होता है। गैस फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब इसे इस तरीके से हम रख के 5 से 10 मिनट छोड़ देंगे, भरावन तैयार कर लेते हैं। तो गैस ऑन करके मैंने एक पैन रख दिया है, अभी गैस हाई फ्लेम पे है। पैन गरम हो गया, अब इसमें हम ये गुड़ डाल देंगे। गुड़ को हम धीमी आंच पे मेल्ट कर होने तक पकाएंगे। गैस फ्लेम को हाई नहीं करना है, एकदम लो फ्लेम पे। गुड़ को 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे, ये देख सकते हैं। देख सकते हैं गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम ग्रेट किया हुआ नारियल, और ये देख सकते हैं बादाम को हमने इस तरीके से कूट के छोटे छोटे पीस में कर लिए हैं। आप चाहें तो इसका पाउडर भी बना के डाल सकते हैं। ये देख सकते हैं सब अच्छे से मिक्स हो गया है, ये 2 मिनट हो गया करीब हमें धीमी आंच पे पकाते हुए। आप चाहें तो इसमें काजू का पाउडर भी बना के डाल सकते हैं, खसखस भी डाल सकते हैं, जो चीजें आपको पसंद है आप अपने हिसाब से कर लीजिए। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, गैस फ्लेम को भी ऑफ कर देंगे। अब हम इस भरावन को अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। अभी ये गीला लग रहा है, ठंडा होने के बाद ये काफी ठीक हो जाएगा, एकदम जैसे हम भरने के लिए तैयार कर रहे हैं उस तरीके से ये हो जाएगा। आटा अभी करीब 10 मिनट हो गया गुनगुने पानी में डाले हुए, अब इसे हम एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं इस तरीके से, अब इसको इस तरीके से हम अच्छे से मैश करके सॉफ्ट डो रेडी कर लेंगे। और आज ये हम मोदक भाप में बनाएंगे और बिना मोल्ड के। आज का मोदक हम हाथ से बनाएंगे, मोल्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
ये देख सकते हैं इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि ये सूखा लग रहा है तो आप थोड़ा सा पानी इसमें डाल सकते हैं। पानी गर्म होने के लिए इडली मेकर में लगा दिया है, ये देख सकते हैं मैंने इसमें 2 कप पानी डाला है और जब तक पानी में उबाल आएगा तब तक हम मोदक बना के तैयार कर लेंगे। ये देख सकते हैं जो हमने गुड़ का भरावन बनाया था ये एकदम ठंडा हो गया है और ये देख सकते हैं एकदम भरने के लिए ये तैयार है, एकदम ठीक हो गया है। इसका हम इस तरीके से छोटी छोटी गोली की तरह बना लेंगे, ये देखिए ऐसे। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से छोटे छोटे लड्डू की तरह बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से जैसा आपको ठीक लगे भरने के लिए आप तैयार कर लें। अब हमें थोड़ा सा आटा लेना है और इसको इस तरीके से इसमें थोड़ा सा जगह बनाना है। अब हम बिना मोल्ड के बना रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा आराम से बनाना होगा। इसमें थोड़ा सा ऊपर से इस तरीके से आटा और ऐड कर देना है। हमें एक मोदक का शेप देना है इसमें, ये देख सकते हैं। इस तरीके से एक फोक ले लीजिए और इसमें थोड़ा सा ऐसे पहले के टाइम पे तो हाथ से ही मोदक बनाते थे, मोल्ड तो अभी आया है। ये देख सकते हैं इस तरीके से आप इस पे डिजाइन बना दें या तो इसको ऐसे ही रख दें। ये देख सकते हैं इस तरीके से एक सिंक लेके इससे भी आप मोदक की तरह थोड़ा सा डिजाइन बना सकते हैं या आप इसको ऐसे ही बना लें, ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं मैंने सारा बना के रख लिया है इस तरीके से। अब पानी अच्छे से उबल रहा है, अब इसको हम देख सकते हैं पानी अच्छे से उबल रहा है। अब इस थाली को हम इसमें ऐसे लगा के 8 से 10 मिनट तक इसे हम मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। फ्लेम को पूरा हाई नहीं करेंगे, थोड़ा सा धीमा रखेंगे और इसे हम 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। ये देख सकते हैं ये 7 मिनट करीब हो गया है और ये देखिए मोदक एकदम कड़ा हो गया है, जैसे कि चावल पक जाता है तो लगता है उसी तरीके से ये भी ये पक गया है, हार्ड हो गया है, इसका मतलब ये पक चुका है। बस इसे मुझे 1 मिनट और पकाना है, उसके बाद गैस फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब गैस फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसे हम 2 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद इसे हम खोल, ये देख सकते हैं इसे मैंने खोल दिया है। अब इसको इस तरीके से फोक की सहायता से दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे। देख सकते हैं मोदक बन के रेडी है, ये देख सकते हैं इसको मैंने हाथ से बनाया है और ये देखिए कुछ में मैंने सीख से डिजाइन बनाया और कुछ में मैंने फोक से। अब इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने ये चॉकलेट सिरप लिया है। देख सकते हैं मोदक को मैंने डेकोरेट कर दिया है, बस अभी इसे भोग लगाना है बप्पा को यानी कि गणेश जी को। अगर आप लोग को मेरा बनाने का तरीका पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।